5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश सागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। भाजपा का प्रचार शुरू, विधानसभा में जाकर वोटों की अपील। भाजपा नेताओं के दौरे भी हुए तेज। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप पर भाजपा लगाएगा हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 अभिवक्ता। अजमेर लोकसभा उपचुनाव में सचिन पायलट ने किया कांग्रेस की जीत का दावा। पुष्कर विधानसभा का कांग्रेस ने किया दौरा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सहित अजमेर लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रघु शर्मा भी थे उपस्थित। लोगों से की वोटों की अपील। सूफी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संसदीय सचिव कैलाश राज्य मंत्री ने दी हाजिरी। चादर व फूल पेश कर अमन चैन की मांगी दुआ। अजमेर लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा अनुसूचित जाति की हुई बैठक। बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। चुनावी जंग में अधिक से अधिक वोट पाने के लिए कार्यकर्ताओं से की वार्ता। भाजपा आईटी सेल की बैठक का हुआ आयोजन। लोगों को पार्टी की रीति नीति से कराया अवगत। अजमेर लोकसभा उपचुनाव की तैयारी। गांधी की प्रसंगतियों पर आयोजित हुआ सेमिनार। सोफिया कॉलेज में आयोजित हुआ सेमिनार, बड़ी संख्या में विद्यार्थी हुए उपस्थित। गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू। 22 विद्यालयों के 800 विद्यार्थी लेंगे भाग। कई तरह की होगी प्रस्तुतियाँ। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें।